अच्छा भाई, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब यह है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस का साइन, ठीक है। इसका मतलब है डिफरेंस ऑफ, कह रहा है कि हमें ए माइनस बी, अब सेट में ए माइनस बी कैसे करते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले ए लिखा, 6 7 8 माइनस का साइन ऐसे, फिर बी लिखा आपने। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ नोट करनी है, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, करते भी वैसे ऐसे ही है। ए में जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, वो एक्स्ट्रा जो बी में नहीं है, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा कौन से हैं जो इसमें नहीं है, सिर्फ इसके एक्स्ट्रा देखने हैं। इसके एक्स्ट्रा कौन से हैं, वन आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा ना, तो मैंने लिख दिया वन। इसमें टू भी आ रहा है, नहीं रहा, थ्री एक्स्ट्रा है, ठीक है। फोर इसमें भी आ रहा है, फाइव, सिर्फ एक एक्स्ट्रा देखने हैं, ठीक है। सेवन आ रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके अलावा एट, एट इधर है बस, ठीक है। हमने ये माइनस बी लिख दिया। मेरी बात को दोबारा रिवाइंड करो और सुनो, ठीक है। अब मैं करता हूँ बी माइनस ए, ठीक है। ये वाला स्टेप आपने लिखना नहीं भूलना, अब बी पहले आ जाएगा, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 माइनस किया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 के साथ। अब बी में जो एक्स्ट्रा है ना, मुझे सिर्फ वो लिखने हैं। बी में एक्स्ट्रा क्या है मेरे पास, 2 इधर भी है, 4 इधर भी है, 6 इधर भी है, 10, 8 इधर भी है, 10 नहीं है मेरे पास, तो 10 मेरे पास इधर एक्स्ट्रा है और 12 भी मेरे पास इधर एक्स्ट्रा है, तो मैंने ये बी माइनस ए। आपने एक चीज़ नोट की, ए माइनस बी का आंसर जो है मेरे पास वो इक्वल नहीं आया बी माइनस ए के, तो आपने ये बात याद रखनी है। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ऐसे करते हैं, ठीक है। अब आगे हम कंप्लीमेंट देखते हैं क्या होता है।